अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन टिक्का। उसके लिए मैंने ये टिक्के के पीस, इसमें आप लेग पीस भी यूज़ कर सकते हैं। ये टिक्का पीस जो है इस तरह के कट लगवा के आप गोश्त लेने जाएंगे उनसे कहिएगा कि हमें ये टिक्का कट लगा के दे दें, तो वो कट भी लगा देते हैं। इस तरह के पीस भी यूज़ कर सकते हैं, पूरी इस तरह के चौड़े चौड़े पीस भी। ये आपको मैं पीसेस दिखा रही हूँ, ज़रूरी नहीं कि आप ये इस तरह कट कर निशान लगवा लें। इसमें सबसे पहले मैंने 3 टेबलस्पून अदरक लहसुन मिलाया है, 3 नींबू का रस, 1/2 टीस्पून जर्दे का कलर रंग के लिए और 1/2 टीस्पून हल्दी। ये इतनी मैरिनेशन करके मैं 1 घंटे के लिए रख दूंगी। फिर इसके बाद हम इसमें बाकी चीज़ें मिलाएंगे, लेकिन इसको हाथ से खूब अच्छे तरीके से एक एक उस पर ये कलर नींबू हल्दी और ये कलर जो है एक एक पीस पे लग जानी चाहिए। इस तरह पूरे सब मिला के और फिर मैं इसको 1 घंटे के बाद इसमें फिर और मैरिनेशन करूँगी इसकी, तो फिर मैं वो आपके साथ शेयर करती हूँ। चिकन को मैरिनेट करने के लिए हमने रख दिया है तकरीबन 1 घंटे के लिए। अब हम इस पर लगाने वाला मसाला तैयार करते हैं। उसके लिए मैंने 1 कप दही ली है, लेकिन इसका पानी निकाल लेना है, गाढ़ी सी दही हो, ताकि फिर ये गाढ़ी दही होती है तो फिर जो है मसाला जो है उसके अंदर चिपका रहता है। पानी वाली दही होगी तो सारा मसाला छूट कर पैन में गिर जाएगा। ये मैं 1 टीस्पून डालूँगी कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला, 1/2 टीस्पून चाट मसाला, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून कुटा भुना ज़ीरा, 1/2 टीस्पून कुटा हुआ भुना हुआ धनिया। इन सब का एक मिक्सर तैयार करेंगे और इसमें तकरीबन 3 टेबलस्पून ऑयल, 1 को मिक्स करेंगे और ये मसाला तैयार हो गया चिकन पे लगाने के लिए। इस मसाले को हम चिकन पे खूब अच्छी तरीके से अंदर सारे उसके कट्स में भरेंगे। अब ये ज़रा मैरिनेशन हो जाए, मैं इसको मसाले को आपको चिकन पे लगाते हुए दिखाती हूँ। अब मैं एक खुले मुंह का बर्तन लूँगी और ये चिकन जितने भी मैरिनेट होके रखा हुआ था इसको खुले मुँह के बर्तन में ये चिकन को इसमें फैला के, जो मैंने नींबू हल्दी और जर्दे का रंग लगा के रखा था, अब इसमें जो है ये मसाला पहले इस तरह डाल देंगे सब में, पूरा मसाला इस पर फैला देंगे, फिर एक एक पीस के अंदर खूब उसको मल देंगे। फिर इसको ये इस तरह करके ये जो इसके पीसीस हैं, ये जो इसके अंदर कट्स लगे हुए हैं, इसके अंदर इस तरह एक एक के एक एक बोटी को लेकर अलग अलग सारे मसालों को इसके अंदर लगा के और ये मैरिनेट होने के लिए रख देंगे 5 से 6 घंटे के लिए। ये हमारा, अब आपकी मर्ज़ी है, इसको आप कोयले पे अंगेठी पे इसको चिकन टिक्का बनाएं या ग्रिल करें या हल्का सा फ्राई करके बिल्कुल मतलब के नॉन स्टिक बर्तन में डाल के 2-3 टेबल स्पून ऑयल डाल के इसको कर सकते हैं। ये मैंने आपको इसको चिकन टिक्का की मैरिनेशन बता दी, ये मैरिनेशन होगी और इस मैरिनेशन से चिकन टिक्का बनाइएगा और फिर एंजॉय करिएगा। बारबेक्यू भी कर सकते हैं इसको सीखों में लगा कर और कोयले पर अंगीठी पर इसको गला के, वो भी कर सकते हैं और ग्रिल भी कर सकते हैं। ये चिकन टिक्का रेडी है। इस रेसिपी से आप लोग चिकन टिक्का मसाला लगा के रखिएगा और 5-6 घंटे तो ज़रूर रखिएगा, जब ही इसके अंदर सब ये इस जो इसकी निशान लगे हुए कट के इनके अंदर भरिएगा और जब 5-6 घंटे रखेंगे फिर ही इसमें टेस्ट आएगा। चलें इस रेसिपी से चिकन टिक्का बनाइएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में कि आपके चिकन टिक्का कैसे बने। अल्लाह हाफिज़।